अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं ज़्यारतों के लिए। तो भाई ज़्यारतों के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले हम जाएंगे नाश्ता करने। चलो चलो चल अबीर अहमद, अबीर तो भाई देख रही है। हम आएंगे ना, फिर चेंज करते हैं। माशाल्लाह। तो अभी यहाँ पर है एक पाकिस्तानी होटल, वहाँ पे हम जा करेंगे नाश्ता। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9, फजर की नमाज़ पढ़ कर आके हम सो गए थे और अभी उठे हैं। तो आज हमने ज़्यारतों के लिए भी जाना है। मोइस आ गया। सुबह सुबह का टाइम है और सारी शॉप्स खुली हुई हैं। वही हम आ गए हैं और होटल पे। ये एक उधर चना रख दी। चने हैं, पराठे अभी आ रहे हैं और नाश्ता वगैरह हो गया है। अब हम चल रहे हैं बाहर। चलो नाबिया, चाय बहुत मज़े की थी यहाँ की। ये पाकिस्तानी होटल है। तो हमारी जो ज़्यारतों के लिए हमने जो टैक्सी बुक की है वो ये। तो चलो, ये हज़रत उस्मानी का घर था जो मस्जिद हो गई है अब। और ये वो कुआँ है जिसमें से पानी लेके हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना गुसल दिया गया था। जब नबी पाक दुनिया से पर्दा करके देखा ये कुएं का पानी फुल था। और हजरत अली यहाँ से 5 मशके भर के लगाए। अच्छा, फिर उधर जाके गुसल दिया। अच्छा। फिर दूसरे दिन उमर फरूक, हजरत अबूबकर सदीक। अच्छा। ये सारे सहाबा करम ने बोला हम भी थोड़ा पानी महफूज कर लें। अच्छा, कुछ वक्त आएगा जब हमारा आखिरी वक्त है, हम भी वसीयत करेंगे। इस तरह है देखा ऐसा जैसे पानी चला ही नहीं था। और हदीस के मुतल्लिक इस बाकी सारे ना ये। हाँ जी, ये जिनकी शादी करते थे ना, अबूबकर सदीक के हाथ के बने हुए मकान है जो थोड़े बहुत टूट गए हैं। जिनकी शादी करते थे उनको इधर घर बना के देते थे, जब बाकी छड़े उधर रहते थे। जैसे जैसे शादी होती जा रही उन्हें लेके आते, ये सारी उनकी थी। ये हज़रत अबूबकर सदीक ने अपने हाथ से खुद बनाया था। ये उस दौर का अभी तक देखें वैसे का वैसा ही है। देखें, ये उन्होंने अपने हाथ से बनाया था हुजरा। और ये देखें, आ जाओ ना अभी, चलो नफल दा करने के मस्जिद के ऊपर। देखो मेरी बात सर, आप सब सुन लो कि ये है कि देखना नफिल पढ़ना देखना, लेकिन जरा जल्दी करना। हाँ, कोशिश करना जल्दी आपको हर जगह भरा ले। अभी हम आए थे मस्जिद कुबा और यहाँ पर हम अदा करेंगे 2 रकात नमाज तहतुल मस्जिद और 2 रकात नमाज नफिल, 2 शुक्राने के नफिल अदा करेंगे। चलो ना भैया, मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है। हमने शुक्राने नफिल और तहतुल मस्जिद के भी नफिल अदा कर लिया। तो अब हम चल रहे हैं नीचे, गाड़ी में जाएंगे, फिर आगे और ज़्यारतें भी करेंगे। यहाँ पे इतनी सारी बसेज आई हुई है ना।
तो अभी हम जाने लगे हैं उस जगह पे जहाँ पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले फजर की नमाज़ पढ़ी थी जी। तो ये वो जगह है जहाँ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले फजर की नमाज़ अदा की थी। तो यहाँ पे दो नफिल शुक्राने के अदा कर रहे हैं माशाल्लाह। उस वक्त की पत्थर देखे कैसे थे, सुराख हुए हैं इनमें, लेकिन इनको टाइम भी बहुत हो गया ना। जी तो वो वाला जो पहाड़ है, वो वाला पहाड़ है जिस पे हज़रत हमज़ा अलैहि सलाम का कलेजा चबाया था हिंदा ने, उधर उस पहाड़ पे उसने चबाया था उनका कलेजा और वहाँ पे लोग गए हुए। और ये कौन सी जगह है पापा? ये हज़रत हमज़ा अलैहि सलाम की कब्र है, साहबा कराम की 70 साहबा कराम की कब्र है। ये कब्र एक दुख उनकी देखो वो ऊपर निशानी है, वो उधर जा। ये 70 साहबा कराम है जिनकी ये कब्र मुबारक है, वो देखे वो निशानियाँ लगा रखी हैं उधर भी और इधर भी। बस जो हज़रत हमज़ा अलैहि सलाम की जो कब्र है ना, उसको एक और साहब है उनकी कब्र को प्रोमिनेंट किया है। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं साहबा जिनको है ना वो नहीं कर रखा, मतलब जाहिर नहीं करवा रखा है। और बाकी जो हिस्ट्री है ना वो इधर लिखी हुई है सारी, ये देखें ऊपर अरबी में, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, सारी लिखी हुई है। वो वाली हमारी वैन खड़ी है और ये लोग यहाँ पे खड़े हैं। मोइज़ अहमद को मैं गाड़ी में ही सुला कर आई थी। सुभान अल्लाह, ये पहाड़ है ना आंखों के इतना करीब है ना, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। गज़वाए अहद का पहाड़। तो अब हम यहाँ से निकलने के बाद जाते हैं वादी जा रही है ऊपर, खुद ही जा रही है। सही बात है, ये देख रहे हैं, ये देखो ना न्यूट्रल है, सही बात है, कोई गियर गियर कुछ नहीं है, खुद ऊपर जा रही है। वो देखो कितना ऊपर आई है माशाल्लाह। असल ये मुकाम है इसका ना, मैं आपको उधर से ना नीचे से गाड़ी लेके ऊपर आऊंगा। उधर से घुमा के ना लोग आते हैं सही है फिर तो। मेरा मतलब ये चीजें जो थोड़ी है ना, वो नीचे देखो मैं नीचे गाड़ी खड़ी करूंगा ना जी, ये ऊपर गाड़ी खुद में खुद आती जाएगी। अच्छा आ, ये भी ले जैसे लेके गए ना पीछे ऐसे ही सब। ये देखो इधर ये कितना नीचे है, मैं अभी इधर से नीचे उतारूंगा गाड़ी, न्यूट्रल में नीचे से आएगी। यानी कि न्यूट्रल से मतलब मकसद कोई गियर नहीं, कोई कुछ नहीं, गियर होती तो गाड़ी आगे पीछे जाती है ना। ये देखो ना ये कितनी नीचे गाड़ी जा रही है। हां गई तो गाड़ी नीचे गई है ना। हां जी कुछ नहीं है जी, यहाँ भी एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, हुआ इस तरह जी हाँ। ये अभी न्यूट्रल किया, ये चल पड़ी, ये देख जा रही गाड़ी न्यूट्रल पे, न्यूट्रल पे तेरी गाड़ी तू पाल ना। ये देखो ना ये देख, ये न्यूट्रल पे लगी हुई है, ये खुद ही जा रही है, ये खुद जा रही है, न्यूट्रल पर गाड़ी है ये, कोई नहीं चला रहा, खुद चल रही है। ये देखो ना आपके सामने ही है, ये देखो खुद इतनी चढ़ाई पे खुद चढ़ी। ये देखो ये देखो ये देखो गाड़ी को जोर से भगा देता है, कभी गाड़ी रुकी नहीं, आज रुकी पता नहीं। उन्होंने कहा मुझसे बड़े आए हुए तो कर गया, मैंने बोला ना मैं न्यूट्रल
उसने भी अभी वो कर रहा है, वो तजुर्बा कर रहा है। इसके बारे में चले निकाल ले बस, सही है ठीक है। नहीं नहीं चढ़ाएगा, जिन्हें चढ़ाएगा जिन चढ़ाएगा जिन्हें भी रुकना नहीं देगा, ये पता उसको। ये देखो काटनी बराबर की नहीं उसने। जी बिल्कुल सच्ची। हाँ जबरदस्त डरा रहे हैं आप तो। नहीं देखो ना जोर लगाया उसने। पापा पानी वाला भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना वो। वो तो उधर बंद हो गया, मैंने बताया ना इन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले ये रोड दी जी। तो मेरा व्लॉग जो था आज का यहीं तक का था। मदीना का जो ट्रिप है हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। और अब हम आने के बाद यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे थे और कुरान पाक पढ़ रहे थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।